हमारे पास जज्बा इताअत किस कदर है, किस कदर है। क्या हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती तो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चेहरा हमारा चेहरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ड्रेस हमारी ड्रेस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तिजारत हमारी तिजारत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अखलाक व किरदार हमारे अखलाक व किरदार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जो सलूक गैरों के साथ अपनों के साथ आपका सलूक था कि हमारा वो सलूक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों का तरीका हमारी इबादतों में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तरीका हमारी सुन्नतों में हमारे इबादतों में या हमारी सुन्नतों में है। अगर नहीं है तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। फऊद बिल्लाहि समीउ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم حاضرين گرامی رمضان المبارک کی فجر کے بعد अब तक के दुरूस में हमने ये मालूम किए कि इबादात और नेकियां कसरत से कर लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि इबादात और नेकियां अल्लाह के पास काबिले कबूल हो जाएं ये सबसे बड़ी बात होती है। और इबादात नेकियां बारगाह इलाही में कबूल होने के लिए तीन बुनियादी शर्तें हैं, ईमान का होना यानी अकीदाए तौहीद का पाया जाना, जिसके पास ईमान के ऑपोजिट कुफर हो, तौहीद के ऑपोजिट शिर्क हो, उसके आमाल अल्लाह के पास काबिले कबूल नहीं होते हैं। दूसरी शर्त, इखलास के साथ आमाल करें, इबादात अंजाम दें तो अल्लाह के पास काबिले कबूल। और इखलास की जिद है, दिखावा रियाकारी, इसकी वजह से आमाल बर्बाद होते हैं। तीसरी और अहम शर्त, इत्तिबाए सुन्नत, इत्तिबाए रसूल, हमारे और आपके आमाल आखिरी नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आमाल अल्लाह के पास काबिले कबूल नहीं, क्योंकि नबी के तरीक़े पर आमाल इबादात नेकियां अंजाम देना सुन्नत है, और नबी के तरीक़े से हटके गरचे वो नेकियों को कर रहा है, इबादात कर रहा है, मगर वो सुन्नत नहीं है, वो सुन्नत के नाम पर बिदात है। यहां तक हम लोगों ने मालूम किए थे। आइए आज हम मालूम करते हैं कि सहाबा इकराम और इत्तिबाए सुन्नत का तरीका क्या था, किस तरीके से सहाबा इकराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होते थे, और आज हमारा हाल क्या है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत में ही हमारी कामयाबी और कामरानी है। आज मुसलमानों की जिल्लत रुसवाई और पसपाई का वाहिद सबब है अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से दूरी इख्तियार करना। सहाबा इकराम किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते थे, और बरसों की आदतें फौरन छोड़ दिया करते थे अल्लाह उसके रसूल के हुक्म आने से। हमारा मामला यह है, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो हमारी कोई आदत है,
कोई अखलाक है या कोई खानदानी रस्म और रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बहानाबाजी करते हैं, उजुर ढूंढते हैं, वक्त और मौका तलाश करते हैं कि देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अभी वक्त क्या है, वक्त आने दीजिए, फिर हम बदलेंगे। साहब इकराम का मामला यह था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आता, फौरन अमल पैरा होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए हिजरत करके, तो अरब के लोगों में शराब नोशी का बड़ा रवाज था, शराब नोशी उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। हर आदमी पानी से ज्यादा शराब पिया करता था, इतने ज्यादा वो लोग उसके आदि थे। उसके बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी जब शराब की हुरमत का हुक्म हुआ, यह आवाज सुनना था कि अल्लाह ने शराब को अब मुतलक तौर पर हराम कर दिया है, जो लोग गिलास में शराब लिए हुए पी रहे थे ये नहीं सोचे ये गिलास ही है इसको पी लेते हैं, फौरन छोड़ दिए। मुंह में लगाए हुए थे गिलास में, आधी गिलास अभी मौजूद थी शराब, लेकिन फौरन उन्होंने मुंह से अलग किया, हलक से अलग किया और अपने हाथ से अलग थलग कर दिया, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ गया, फौरन अमल पैरा हुए। मदीने के गलियां बह पड़ी, घरों में शराब मटकों में रखे थे, जहां जहां पर शराब ये लोग रखे हुए थे सब निकाल दिए, फेंक दिए, बहा दिए, ये नहीं सोचे कि इसमें क्या नुकसान है, क्या होगा। हम 10 बार सोचते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मेरा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा, सारी बातें हम कहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमाते, आपने किसी से कहा कि बैठ जाओ, और एक सहाबी जो मस्जिद के दरवाजे पर अभी दाखिल हो रहे थे वहीं पर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में देखा कि क्या माजरा है, तुम यहां बैठे हो। कहा कि अल्लाह के रसूल, आपकी आवाज मेरे कान से टकरा गई, बैठ जाओ, बस हमें इताअत करना आता, इत्तिबा करना आता है, किसे कहा, क्यों कहा, हमें यह नहीं आता है, हमने आपकी इत्तिबा कर ली, ये इताअत रसूल है। नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते ने आकर कहा कि आपके जूते में गंदगी है, आप निकाल दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू की हालत में जूतियां निकाल दिए, सारे साहब इकराम ने देखा कि आपने जूतियां निकाल दी है, सबों ने अपनी जूतियां निकाल दी। नमाज से फरागत के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपनी जूतियां क्यों निकाली है। साहब इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने आपको देखा है जूतियां निकालते हुए, हमें सिर्फ इत्तिबा करना आता है, हमने निकाल दिया, क्यों चू चरा हमें मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर, ये साहब इकराम की इताअत की बात थी। इताअत में इतनी जल्दी क्या करते थे, कुछ नहीं सोचते थे, अल्लाह की रसूल की इताअत इताअत, और इसी में हमारे लिए रहम है। याद रखिए, हम अगर अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे, अल्लाह की तरफ से रहमत आएगी। कितनी जगहों पे अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, अतीउ अल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, तुम रहम किए जाओगे। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, तुम रहम किए जाओगे। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करोगे, उसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है, कामरानी है, और अगर नहीं है, वमन युति अल्लाह व रसूलह फकद फाजा फौजन अदीमा, अल्लाह उसके रसूल की जो इताअत कर लेता है वही कामयाब होता है। कामयाबी इसी में है, कामरानी इसी में है, और जल्दी इसे करते थे। यह है गसीलुल मलाइका। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु शादी किए थे, और शादी करने के बाद नई नबीली दुल्हन के साथ घर में थे,
अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान हुआ कि अल्लाह के रास्ते में निकलना है, निकलो, बस कान से अल्लाह के रसूल की आवाज टकराने की देर थी, निकलने की देर नहीं है। और इतनी देर भी गवारा नहीं किए कि वो नापाक थे, गुसल करके जाएं, इतनी देर गवारा नहीं किए, निकल गए अल्लाह के रास्ते में। मैदाने कारजार में पहुंचते हैं, शहीद हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लाशों की तलाशी ली, सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये हंजला की लाश भीगी हुई है, क्या मामला है, हंजला की लाश भीगी हुई है। कहा कि फरिश्तों ने इनको गुसल दिया है, ये गसीलुल मलाइका हैं, ये नापाकी की हालत में मैदाने कारजार में तशरीफ लाए थे, इतनी देर गवारा नहीं किए कि अल्लाह के रसूल की इताअत से रूगर्दानी करें, दूर हटे, देर करें। और उनकी इस हालत को देखकर अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते आकर उनको गुसल दिलाए। आज हम लोग अपने अपनी आदतों से मजबूर, बरसों की आदत हमसे जा नहीं रही है, साहब अकराम की शराब की आदत से ज्यादा आपकी आदत नहीं है। अल्लाह उसके रसूल के सामने अपनी आदतों को खत्म करो, तब जाकर अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतें आएगी, सादतें आएगी। और अगर ये नहीं है, याद रखिए, दुश्मन हम पर मुसल्लत होंगे, हम जलील और रुसवा हो जाएंगे, अल्लाह तबरक ताला हम पर रहम नहीं फरमाएगा, हमारी दुआओं में इबादतों में तासीर नहीं रहेगी, क्योंकि हमने अल्लाह उसके रसूल का तरीका छोड़ दिया है। और मैंने आपके सामने गुज़िश्ता आखिरी दर्स में ये अर्ज किया था कि शैतान भी हमें ऐसे गुमराह करता है कि जो लोग या तो दीन से दूर रखकर गुमराह करता है, और कुछ लोगों को दीन के नाम पर, नेकी के नाम पे, सुन्नत के नाम पे गुमराह करता है, जबकि वो सुन्नत नहीं, वो नेकी नहीं है, वो इबादत नहीं है, तरीका गलत है, अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर नहीं है, और उसकी वजह से मामला उल्टा हो जाता है, नेकी के बजाय गुनाह मिलता है, सुन्नत के बजाय बिदात हो जाती है, और तौहीद के बजाय शिर्क की बात हो जाती है, इस्लाम के नाम पर बेदीनी की बात हो जाती है, ईमान के बात पर बेईमानी की बात हो जाती है, और हमें एहसास भी नहीं है। अल्लाह ने इसी को बयान फरमाया सूरह हुजरात में कि तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, वला तुबत, और ये ना सो अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए, तुम्हें एहसास भी ना हो, एहसास भी ना हो, पता भी ना चले कि हमारे अमाल बर्बाद हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। हाजिर निगरामी, खुलासा कलाम ही हुआ कि आज हमें सोचना चाहिए कि हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत किस हद तक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या वाकई माने में हमारे पास वो जज्बा इताअत है जैसे सहाबा इकराम के पास था, या कम से कम कुछ तो उनके पूरे के पूरे उनके 100% ना सही, हमारे पास जज्बा इताअत किस कदर है, किस कदर है। क्या हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती तो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चेहरा हमारा चेहरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ड्रेस हमारी ड्रेस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तिजारत हमारी तिजारत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अखलाक व किरदार हमारे अखलाक व किरदार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जो सलूक गैरों के साथ अपनों के साथ आपका सलूक था क्या हमारा वो सलूक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों का तरीका हमारी इबादतों में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तरीका हमारी सुन्नतों में, हमारे इबादतों में, या हमारी सुन्नतों में है। अगर नहीं है तो हमें सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या दुनिया में सिर्फ आए खाने पीने कमाने के लिए, वो तो जानवर भी करता है, जानवर भी करता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसे लोग जो सिर्फ खाने पीने के लिए दुनिया कमाने के लिए आए हैं, हम दुनिया कमाने के लिए दीन को एक सिर फरामोश कर दिए, दुनिया के वास्ते हमने अपने आप को पहचान, हमारी शनाखत और पहचान को खत्म कर दिया है कि अगर हम इस्लाम पर चलेंगे तो हमें ड्यूटी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, इस्लाम पर अमल करेंगे तो हमें सताया जाएगा, हमें टॉर्च किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। याद रखिए मेरे भाइयों, अगर दीन और ईमान की खातिर हमारी आजमाइश हो
तो अल्लाह हमें चाहता है और अल्लाह के दुश्मनान हमसे नफरत करता है, अल्लाह के दुश्मनान हमसे नफरत करते हैं, अल्लाह हमको चाहते हैं। और दीन और ईमान की खातिर आजमाइश हो तो हमें और दीनदार बनना है, क्योंकि अल्लाह चाहता हम दीनदार बने और अल्लाह के दुश्मनान चाहते हैं कि हम बेदीन बन जाए। अब आप पर है कि आप अल्लाह की चाहत पे अमल करोगे या अल्लाह के दुश्मनों की चाहत पे अमल करोगे। वो तारीखी जुमला याद रखिए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का, जब बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए जा रहे थे तो उनके कपड़े में पैबंद लगे हुए थे। उस वक्त के सिपे सालार ने उनसे ये मैसेज दिया, उनको ये पैगाम दिया कि आप अपने कपड़े को जरा सही कर ले, ये लोग काफी शानदार अंदाज के कपड़े पहनते हैं और आप खलीफतुल मोमिनीन हैं, मुस्लिमीन है, आप सही कर लें। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौके पर कहा कि याद रखी ऐ अबू उबैदा, अगर तुम्हारे अलावा कोई और ये बात कही होती मैं उसको दर्रे से मारता था। मरऊबियत आ रही है तुम्हारे अंदर, दूसरों को देखकर तुम मरऊब हो जा रहे हो। याद रखो हम लोग जलील और रुसवा कौम थे, अरबों की क्या इतनी जिल्लत रुसवाई, कोई उन पर हुक्मरानी करना नहीं चाहता था। हर हाकिम चाहता है, हर बादशाह, कि मैं इस इलाके को फतह कर लूं और मेरी हद हुकूमत को बढ़ाऊं। अरबों पर कैसर और किसरा उस वक्त के जो सुपर पावर भी हुकूमत करना नहीं चाहते थे, क्यों? इनको अपनी हद हुकूमत में शामिल करना आबैल मुझे मार का मामला है, कौन कीचड़ में पत्थर उछाल लेगा भाई, नहीं चाहिए उनको, मरने दो। ऐसे लोग थे हम, जलील और रुसवा थे, कोई हमारी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं थी। अल्लाह ने हमें इज्जत दी है इस्लाम के जरिए से। जब जब हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज में इज्जत ढूंढने जाएंगे, याद रखिए हम जलील और रुसवा होकर रह जाएंगे। आज हमारा मामला यह है, हम इज्जत इस्लाम में नहीं ढूंढ रहे हैं। वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह रसूल और मोमिनीन के लिए है। ईमानदार बन जाओ, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, इज्जत इसी में आएगी। गरचे दुनिया वाले आपको जलील और रुसवा समझे, दुनिया वाले कुछ भी कहें, लेकिन आखिरत ही हमारे असल मकसद होना चाहिए। और अल्लाह ने दुनिया जो कुछ नसीब में लिखा है वो देकर रहेगा। कोई नफ्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो अपने हिस्से की रोजी रोटी मुकम्मल ना कर ले। अल्लाह ने ये लिखा है और हमारा ये ईमान होना चाहिए। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से, अल्लाह तबरक तआला हमें और आपके अंदर इताअत रसूल और इताअतुल्लाह के जज्बे को बढ़ाएं और अल्लाह उसके रसूल की इताअत हर मामले में करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा हमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु नबीना मुहम्मद।